अमल नहीं होगा तक नहीं मिलता। जब शायर कहता है कि आओ सारे मसले रोशनी में हल करें, कुछ तुम तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया, थैंक्स। जो आपकी रजवी आवाम से मुलाकात हुई है, कैसे थी? जी आज एक हमने सिविल सोसाइटी की मीटिंग की थी रजौरी में, एंड हमारे रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट शोबों से आए, उनके साथ बातचीत हुई, एक तारुफ हुआ। तो ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, इसलिए कि आपस में थोड़ा जान पहचान बढ़े, एंड उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है पुलिस से, क्या प्रायोरिटीज़ है विद रिगार्ड्स टू लॉ एनफोर्समेंट, ताकि हम समझ सकें। आने वाले दिनों में हम ऑब्वियसली और फीडबैक लेंगे, जहाँ जहाँ हमसे जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एंड काफ़ी अच्छा मीटिंग हम सबका रहा, एंड उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी इतनी कोऑपरेशन के साथ और इतने प्यार के साथ एक दूसरे से सब लोग मिल सकें। ड्रग्स पे काफ़ी इशू रहे जी, NDPS से रिलेटेड एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, एक लॉ एनफोर्समेंट प्रॉब्लम भी है, एंड इसमें बहुत काम हो चुका है, एंड हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे भी और काम होगा, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस से काम होगा। इसमें हम अपनी सिविल सोसाइटी मेंबर्स का भी उनका भी सपोर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, एक हेल्थ प्रॉब्लम भी है, एंड और इसका एक होलिस्टिक सोल्यूशन होना चाहिए। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं हम ड्रग अवेयरनेस, ड्रग डी एडिक्शन, ड्रग अवेयरनेस कैंप्स चला सके। इसमें हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी सीरियस है इसको ऑन प्रायोरिटी लेने के लिए, एंड हम रजौरी पुलिस और रजौरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सोसाइटी के साथ मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतरी हो सके समाज में विद रिस्पेक्ट टू नारकोटिक्स यूसेज हम उतना कर सके। थैंक यू।